भिवंडी के पूर्व महापौर विलास पाटिल विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में। कोणार्क विकास अघाड़ी के प्रमुख पूर्व महापौर विलास पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की है कि वे भिवंडी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पिछले 2002 से 2022 तक 20 साल के दौरान वे खुद एक बार, उनकी पत्नी प्रतिभा पाटिल दो बार और उनके गुट की यशश्री कटु एक बार 10 साल तक बहुमत में नहीं रही। हमने 3 दलों कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार और शिवसेना के उद्धव बाला साहेब ठाकरे के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है और उनकी उम्मीदवारी की मांग की है। विलास पाटिल ने विश्वास व्यक्त किया कि पिछले 30 वर्षों में मैंने जो सामाजिक और राजनीतिक कार्य किए हैं उनके कारण मुझे निश्चित रूप से नामांकन मिलेगा और उन्होंने बताया कि वे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दृढ़ हैं। लगभग 10 वर्षों तक भिवंडी नगर निगम के शासनकाल में पूरे भिवंडी शहर में विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से जनसंपर्क बढ़ा है और इसी के चलते आखिरकार विलास पाटिल ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि वे इस चुनाव में सफल होंगे। आने वाले चुनावों में भिवंडी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में दिलचस्पी है। भिवंडी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने वाले हैं। सूत्र बताते हैं कि भिवंडी का विकास विलास पाटिल ही कर सकते हैं।